Question is describe how trigger pressure develops in a plant cell. वाटर बैलेंस मेंटेन करके रखना हर सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम जो है वो प्लांट सेल में जो है एनिमल सेल के रिस्पेक्ट से क्या होती है, डिफरेंट होती है. प्लांट सेल जो है उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, रिजिड सेल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं. सेल वॉल जो है क्या करते हैं, प्लांट की जो है शेप को मेंटेन करके रखते हैं, उसकी शेप जो है वो चेंज होने नहीं देते. तब जबकि एनिमल सेल में जो है सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो उनका जो शेप होता है सेल का वो चेंज हो जाता है. प्लांट सेल वॉल जो है सेल की शेप को मेंटेन करके रखते हैं, ये रिजिड होते हैं. तो बहुत से प्लांट सेल्स हैं वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, मोस्टली जो है इनके लिए बेटर जो इन्वायरमेंट होता है वो हाइपरटॉनिक इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे क्या होती है सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो लो होती है एक्स्ट्रा सेलुलर के रिस्पेक्ट से. जब हम अगर टॉनिसिटी की बात करें तो ये होती है सॉल्यूट और वाटर के जो है कंसनट्रेशन के जो है रिलेशनशिप होती है एक तरह की. तो हाइपरटॉनिक इन्वायरमेंट में क्या होता है कि सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जो है आउटसाइड जो है वो ज़्यादा होती है, हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन होता है आउटसाइड द सेल. तो सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जब आउटसाइड में ज़्यादा होगी तो क्या होगा, वाटर जो है सेल से बाहर मूव कर जाएगा. जबकि आइसोटॉनिक एनवायरनमेंट जो होते हैं इसमें जो इनसाइड और आउटसाइड जो है वो मेंटेन होती है, नो चेंज होते इन कंसनट्रेशन होते हैं. आउटसाइड और इनसाइड जो है वो कंसनट्रेशन जो है वो मेंटेन होती है. अगर नेट चेंज देखा जाए तो क्या आएगा, जीरो आएगा. जबकि हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि सॉल्यूट की कंसनट्रेशन जो है इनसाइड द सेल जो है वो कम होती है. तो वाटर जो है क्या, और सॉरी इनसाइड द सेल जो है वो ज़्यादा होती है, आउटसाइड में जो है वो क्या होती है कि कम होती है. तो जब आउटसाइड द सेल जो है सॉल्यूट की कंसनट्रेशन कम होगी, इनसाइड द सेल ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि वाटर जो है इनसाइड द सेल जो है वो मूव करना शुरू हो जाएंगे. तो जैसे ही सेल के अंदर जो है वाटर मूव करना शुरू होंगे, तो वाटर जो है फर्स्टली कहाँ इंटर होंगे, सेल में इंटर होंगे, देन उनके वैक्यूल में इंटर हो जाएंगे. सेल में जो है वैक्यूल जो है लार्ज साइज का प्रेजेंट होता है. तो वैक्यूल में जैसे ही वाटर इंटर होंगे तो वैक्यूल का साइज जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हाइपरटॉनिक एनवायरनमेंट में जब वाटर लॉस हो रहा है बाहर तो उस वैक्यूल का साइज कम हो गया है. और नेट चेंज जब जीरो आ रहा है तो वैक्यूल का साइज जो है वो नॉर्मल है. और जब वाटर जब इंटर होने लगेंगे तो वैक्यूल जो है साइज में इंक्रीज हो जाएगा. तो इन वैक्यूल में जो है साइज में क्या हो जाएगा, वाटर के इंटर होते ही इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. और जब साइज में इंक्रीज होगा तो वैक्यूल क्या करेगा, साइटोप्लाज्म पे जो है को प्रेस करना शुरू कर देगा अगेंस्ट द सेल वॉल. तो सेल वॉल के अगेंस्ट जो है साइटोप्लाज्म को एक्सपेंड करेगा तो पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो क्या होगा कि थोड़ी लिटिल बिट जो है एक्सपेंशन अकर होगी. तो चूंकि सेल वॉल क्या है, रिजिड है, सेल की सेल वॉल जो है वो रिजिड है, सेल की जो है शेप को मेंटेन करके रखता है. तो क्या होता है कि जब ये प्रेशर एग्जर्ट करना शुरू करेंगे अगेंस्ट द सेल वॉल, तो क्या प्लांट सेल जो है रप्चर नहीं होंगे. जबकि अगर यहीं पर जो है कोई एक एनिमल सेल प्रेजेंट होता है, सो अगर इसी एनवायरनमेंट में जो है वो क्या प्रेजेंट होता, अगर एनिमल सेल प्रेजेंट होता तो क्या हो जाता, वो रप्चर हो जाता. जब क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, तो सेल जो है रप्चर हो जाएगा. चूँकि प्लांट सेल में जो है सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं तो ये जो है रप्चर नहीं होता, सेल डजंट रप्चर. बट क्या हो जाएगा, उस रप्चर होने के बजाय मजीद जो है रिजिड हो जाएगा इसके और इस कंडीशन में क्या होगा कि आउटवर्ड प्रेशर जो है सेल पर एग्जर्ट होने की वजह से जो है एक तरह की प्रेशर डेवलप्ड हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रिगर प्रेशर कहते हैं. तो ये और ये जो फेनोमेना है जिसके थ्रू जो है ये प्रेशर जो डेवलप्ड हो रही है सेल वॉल पे, जो टर्गर प्रेशर डेवलप्ड हो रही है, ये क्या कहलाएगा, ये फेनोमेना कहलाएगा टर्गर. जबकि आइसोटॉनिक एनवायरनमेंट में जो है नेट अपटेक क्या होगा, वाटर की जो है वो इतनी नहीं होती कि सेल जो है टर्जिड हो जाए, इसलिए सेल क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, फ्रेम नहीं होंगे. तो टर्गर प्रेशर जो है वो किस तरह से डेवलप्ड होता है, टर्गर प्रेशर उस वक्त डेवलप्ड होता है जब सेल के अंदर जो है वाटर इंटर होना शुरू हो जाता है. ये जो एक्सेस वाटर जो सेल में इंटर होता है ये क्या करता है, वैक्यूल के साइज को इंक्रीज कर देता है. तो वैक्यूल का साइज जब इंक्रीज होता है तो उस वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल जो है एक तरह की जो है प्रेशर जो है वो जो है डेवलप करना शुरू हो जाता है साइटोप्लाज्म के अगेंस्ट
जो है वो प्रेस करना शुरू हो जाता है, तो सेल वॉल जो है वो लिटिल बिट एक्सपेंड होता है, बट चूंकि सेल वॉल टर्जिड होता है तो टर्जिडिटी की वजह से जो है ये रप्चर नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है मजीद रिजिड, वो सॉरी सेल वॉल जो है रिजिड होता है, तो इस प्रेशर के एक्सर्ट होने की वजह से जो है रप्चर नहीं होता बल्कि मजीद जो है क्या हो जाता है रिजिड हो जाता है। तो ये फेनोमेना जिसके थ्रू वाटर के एंट्रेंस की वजह से जो है वैक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट करता है साइटोप्लाज्म पर, ये क्या कहलाता है टर्गर प्रेशर कहलाता है, और ये फेनोमेना जो है टर्गर कहलाता है।